राज्य में 30 से ज्यादा सीटों पर बागी भाजपा कांग्रेस का गणित बिगाड़ रहे हैं। इन रूठों को मनाने के लिए दोनों दलों ने अपने चाणक्य मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन अभी बागियों से होने वाले नफा नुकसान को देखा जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं ने मंगलवार को प्रत्याशियों से यही फीडबैक लिया कि कौन सा बागी उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और किस बागी के जातिगत समीकरणों से फायदा है। जो बागी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं उन्हीं को लेकर पार्टी डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम करेगी। हालांकि दोनों ही दलों के पास अभी 9 नवंबर तक का समय है, लेकिन अभी तक बागियों के तीखे तेवर प्रयासों की सफलता में बाधक बने हुए हैं। कई बागियों ने तो सभा और रैलियों के जरिए दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा की ओर से डैमेज कंट्रोल का जिम्मा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को, जबकि कांग्रेस की ओर बागियों को मनाने का जिम्मा राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मुकुल वासनिक को सौंपा हुआ है। दोनों पार्टियों के प्रदेश स्तरीय नेता भी इन प्रयासों में लगे बताए जाते हैं, लेकिन कहीं से किसी सफलता की कोई बड़ी खबर नहीं है। जो बागी पार्टी से इस्तीफा देकर अन्य दल के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं उनको लेकर तो किसी सफलता की कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन जो असंतुष्ट अभी पार्टी में बने हुए हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ असंतुष्टों ने आश्वस्त भी किया है कि वे पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, लेकिन वे पार्टी में रहते हुए अंतर्घात नहीं करेंगे। को लेकर दोनों पार्टियों के डैमेज कंट्रोलर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं।